हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गांधी जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के दमनकारी तानाशाह जनरल स्मटस ने बार बार जेल भेजा। गांधी जी ने जेल में एक मोची से जुत्ती बनाना सीखा। जब गांधी जी को रिहा किया गया तो उन्होंने एक पैकेट स्मटस को भेंट किया। क्या इसमें कोई बम है? कहते हुए स्मटस ने पैकेट को खोला। गांधी जी ने कहा, यह मेरी तरफ से आपको विदाई का उपहार है। उसमें गांधी जी के बनाए हुए सैंडल थे। वर्षों बाद गांधी जी के जन्मदिन पर जनरल स्मटस ने उन्हें एक पत्र लिखा। मैंने उन सैंडलों को गर्मियों के दौरान पहना, हालांकि मैं महसूस करता हूं कि मैं उन्हें पहनने का पात्र नहीं हूं। तो इस तरह से थे महात्मा गांधी जी। अगला किस्सा आपको सुनाते हैं। महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से अपने देश वापस आ रहे थे। फ्रांस के एक बंदरगाह पर कुछ पत्रकार उनसे मिलने आए। पत्रकार उस समय की फैशनेबल पोशाक प्लस 4 सूट पहने हुए थे, लेकिन गांधी जी धोती पहने हुए थे। पत्रकार उन्हें उस पोशाक में देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तो यह कल्पना भी नहीं की थी कि गांधी जी धोती पहने होंगे। गांधी जी उनकी परेशानी समझ गए और हंसते हुए बोले, आप लोग फ्रांस की पोशाक प्लस 4 पहने हैं और मैं भारत की पोशाक माइनस 4 पहने हुए। है ना दिलचस्प किस्सा। तो एक और महात्मा गांधी जी के जीवन का वाक्य आपको सुनाते हैं। महात्मा गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत आरंभ की तो थोड़े दिन बाद ही एक गिरमिटिया मजदूर जिसका नाम बाल सुंदरम था, बड़ी बुरी हालत में गांधी जी के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और सामने के 2 दांत भी टूटे हुए थे। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। यह देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक गोरे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया और उसी डॉक्टर से चोट का प्रमाण पत्र लेकर मजदूर के मालिक के खिलाफ मुकदमा चलवाया। मजदूर को उन्होंने जितवा दिया और इसके साथ ही उसके लिए एक नेक मालिक ढूंढ दिया। इसके बाद गांधी जी गरीब भारतीय मजदूरों में लोकप्रिय हो गए और उन्हें असहायों के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। चलिए आपको एक और महात्मा गांधी जी के जीवन का किस्सा सुनाते हैं। महात्मा गांधी जी साथियों के साथ रेल में यात्रा कर रहे थे। जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे थे उसकी छत थोड़ी टूटी हुई थी। बरसात का मौसम था। जब बारिश शुरू हुई तो छत टपकने लगी। पानी गिरता देखकर उनके साथियों ने बापूजी का सामान और कागज संभाल कर एक और रख दिए। अगले स्टेशन पर एक साथी गार्ड के पास पहुंचा और डिब्बे की हालत बयान की। गार्ड तुरंत डिब्बे में आया और बोला, बापूजी आपके लिए दूसरा डिब्बा खाली करवाने का आदेश दे दिया है, आप उसमें बैठ जाइए। और उस डिब्बे के यात्री कहाँ बैठेंगे? गांधी जी ने प्रश्न किया। हमारे पास और कोई डिब्बा नहीं है, इसलिए उस डिब्बे के यात्री इस डिब्बे में बैठ जाएंगे, गार्ड ने कहा। गार्ड की बात सुनकर बापूजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, मैं सुख से बैठूं और मेरे लिए सुख से बैठे हुए लोग परेशान हो, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। पहले वे सुख से बैठेंगे तब मैं बैठूंगा। मैं उनके डिब्बे में जाऊंगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बापू ने कहा। गार्ड ने उनके दृढ़ निश्चय को समझ लिया और क्षमा मांगी। तो महात्मा गांधी जी के ये प्रसंग आपको कैसे लगे? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए बेल वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हम कोई और प्रसंग डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।